स्विमिंग पूल एंट्री मारने का तरीका, बिल्कुल आराम से चलिए। और ये क्योंकि अब सीढ़ियाँ आ गई हैं अंदर की, ये स्लिपरी बहुत देती हैं, इस पर मिट्टी जमा होती है। और आगे आप देख रहे हैं घना और गहरा स्विमिंग पूल है। तो इसमें ये है कि आपको एक दो चीज़ें और भी देखनी है, जिस तरह ये मक्खी तैर रही है ऊपर, ये तैरती हुई या मरी हुई भी हो तो ये डंग मार लेती होती है इस तरह की चीज़ों का, क्योंकि स्विमिंग पूल्स पे होती हैं, जिस तरह वो भी एकदम बूढ़ी है। खैर आप इंजॉय करें, कोई टेंशन नहीं। ये देखें, ये भी शहद की मक्खी, ये कि इनसे आपने बड़ा सावधान रहना है, तसल्ली से आना है। अब हम पानी में एंटर हो गए हैं और सुकून से चलना है। हर जगह देख रहे हो आप, ये खुले में होती हैं, ओपन एयर पूल्स में, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तो दोस्तों ये सीन होता है। अभी शावर भी चलवाएंगे हम। पानी के अंदर भी दिखाते हैं आपको। फुल माहौल है जी पानी के अंदर भी, और अल्लाह ताला की कुदरत। पानी देख रहे हो आप, वाटर इज़ एवरीथिंग। और ये अहमद भाई भी साथ में, क्या हाल चाल आसमान भाई, स्विमिंग कर रहे हैं हमारे साथ। और ये हम आए हुए हैं मियां मेंशन में, ठीक है जी। तो ये चंद टिप्स हैं मैं आज आपको दूंगा नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए। हर पूल में आपको इस तरह की बेसिक मिलेगी। ये थोड़ी स्लिपरी होती है जब आप गीले हों, तो इस पर बड़ा ध्यान से, अगर आपने डाइव मारनी है, खड़े भी होना है, बड़ा ध्यान से इस पर पाँव रखना। स्लिप अगर होते भी हैं तो आप कोशिश कीजिएगा आपका सर इधर ना लगे। ये चीज़ें आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। और तो और यह कि दो तीन और भी चीज़ें मैं डाइव में भी आपको बताता हूँ, उसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने डाइव मारनी है, सबसे पहले जगह की डेप्थ नापनी है। अब ये जगह इसकी डेप्थ ये देख लो इतनी है कि मैं तकरीबन यहाँ तक आया हूँ। तो यहाँ आप डाइव मार सकते हो, मगर स्ट्रेट डाइव, यहाँ समर सॉट या बैक डाइव नहीं मारनी, क्योंकि अगर आप वो मारोगे तो आपका सर फट सकता है। और लास्ट टाइम आया था मैंने, एक दो दफ़ा कोशिश की तो मुझे यहाँ पे चोट भी लग गई थी, क्योंकि डेप्थ कम है। वो डाइव्स आपने तब मारनी जब बोर्ड हो और डेप्थ कम से कम आपकी 13-14 फुट हो, ये डेप्थ कम है। और स्विमिंग करो, बिल्कुल करो, बहुत अच्छा है, एक प्रोफेशन भी है, शौक भी है, हॉबी भी है। मगर ये दोस्तों मसला है कि ये बहुत महंगी आजकल है स्विमिंग। वही बात है, हर बंदे के बस से बाहर चली गई है। इसके लिए पूल चाहिए, खुली जगह, आपके पास मेंबरशिप चाहिए। अगर आपके पास अपना है घर तो उसमें आप बना सकते हैं, मगर फिर भी ये है कि ये अब महंगे शौकों में हो गया। बाकी स्विमिंग जब भी करनी है, एक दो चीज़ें और बता देते हैं। आपने हाथ जो है, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, हाथ आपने स्विमिंग के लिए इस तरह करना है। ये है तो आपने ये आपने ये छड़प्पे नहीं मारने, जैसे ये है ना, ये नहीं करना आपने, ठीक है। अब ये देखिए मैं स्विमिंग करता आता हूँ, दूर से आप देखिएगा थोड़ा सा, एक इसका बड़ा तरीका है। इसमें ये कि आप कम फोर्स से आगे आएंगे। अब ये मैं कम पानी उड़ाना है और आपके सामने है हम। और डाइव का भी ये तरीका है कि आपने बिल्कुल ये छड़प्पा नहीं मारना, आप ये उसके ऊपर तैरेंगे, डाइव मारते हुए आपने आगे जाना है। ये अहमद साहब भी हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी, मुझे तो इन्होंने सिखाई है अभी 10-15 मिनट, कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कोशिश करो तो हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई जान, अच्छा सिखाते। और ये देखिए, हाँ आओ अब जी करते हैं, एक आपको लगा के दिखाते हैं कि अगर इसने आपने ये फ्लैप्स किस तरह आपने अपने, मतलब फ्लैप्स नहीं मैं कह रहा, फ्लैप्स होते हैं जहाज़ के, मगर आपने हाथ अपने किस तरह मारने हैं। तो ये देखो स्विमिंग स्टार्ट करते हैं जी, 1 2 3। कितना जल्दी मैं आ गया, और बड़ा मज़ा आ रहा है यार।
फूल जाया करो, मगर साफ़ सुथरे, क्योंकि आपको स्किन की भी बीमारियां लग सकती हैं इससे। ये कि हर बंदे, किसी को स्किन की एक बीमारी है तो वो दूसरे को भी इससे बहुत इजीली लग सकती है। तो दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है स्विमिंग करना। एक और तो बता देता हूँ, अगर आपने स्विमिंग कभी भी सीखनी है, ये जो अब मैं करूँगा, आपने दो स्टेप कर रहे हैं, स्विमिंग आप इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। एक, आपने पाँव चलाने चप्पू की तरह, ठीक है, और कोशिश करनी कम फोर्स, ये ट्रायल देखें, आपको समझ आ जाएगी। पकड़ना है अच्छी तरह, और ये अब मैं पाँव चप्पू की तरह चलाऊँगा। इसी तरह जैसे आपने पाँव चलाए, इसी तरह आप अपने हाथ भी बड़ा प्यारा हाथ मार के, बड़ा प्यार से आपने पानी को कट कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये नहीं करना है, ये इससे आप डूब भी सकते हैं, क्योंकि जब आपकी में जान ख़त्म हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली नीचे थोड़ा सा जाएंगे, फिर ऊपर आ जाता बंदा, मगर बेहतर है, ठीक है। अब ये देखिए, एक बार मैं फिर करके आता हूँ, हाथ ये ठीक है। इस तरह दोस्तों हाथ चलाने, एक बार मैं यहाँ से भी गुजरता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। इस टाइम शावर भी चल गया फवारा, और वो आप देख सकते हो फुल टाइम सीन ऑन है, मज़ा आ रहा है, पार्टी सीन है रमज़ान में। और दूसरा दोस्तों, ये स्विमिंग करनी एहतियात से करनी, ठीक है, और डुबकियाँ नहीं लगवानी। और एक चीज़ और, आप जब ये कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग कहते हैं आप मुंह अंदर करके कर लो, आप मुंह अंदर करके भी कर लो थोड़ी देर पर, राइट या लेफ्ट आपने निकालना है मुँह सांस के लिए, या फिर आप इस तरह रखो, ये हाथ ऐसे चलाते रहो, और ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। आओ चलते हैं, आपको उसका भी मज़ा दिखाएं। अंडर वाटर स्विमिंग शुरू करते हैं, और इसमें भी आपने अपनी बॉडी को सहारा लेना, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो इजी है, नहीं भी तो मोटा बंदा भी कर सकता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखते हैं, ये देखो, मज़ा आ रहा है यार, इंजॉय माहौल है यार, ये बर्फ जा रहा है। क्या कर रहे हैं? शावर दिखा देते हैं, ये बंद करें ना, एक लोग मेरी भी आ रही, बना लो पानी के अंदर, बना लो, दिखाऊं, ये डायरेक्ट दिखाऊं, चल डायरेक्ट नहीं दिखाना, अच्छा चल मैं एक मिनट फिर ये बना लूं। फिर ये देखें जी, शावर है, इसके बीच भी आपने बड़ा ध्यान से सावधान रह के ठंडे पानी का मज़ा लेना है, और ये नीचे भी कुछ इसमें तंबूड़ियाँ भी होंगी। देख रहे तंबूड़ियाँ अटैक कर रही हैं, तो थोड़ा देर ठहर जाते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब किया हमने। तो ये है कि तंबूड़ियाँ, तो देख रहे तंबूड़ियाँ, और जब आपने स्विमिंग करनी है, हाथ ये मारने पानी में, ये नहीं मारने, ये
ठीक है, बड़े प्यार से स्विमिंग करनी है और इन्जॉय करो। बस कुछ चीज़ें जो मैंने बता दी हैं, आखिरी चीज़ एक और, डाइव मारते हुए ना दोस्तों, डाइव मारते हुए थोड़ी कोशिश करो। मैं भी काफ़ी अच्छे बात मार रहा हूँ, मगर आपने कोशिश करनी है कि डाइव जो है ना वो आपने इस तरह मारनी, इस तरह आपको दिखा रहे हैं।